इसलिए आप बताइए कि आपकी बेटी को, हमारी बहू को, इस झूठ की क्या सजा मिलनी चाहिए? बताइए शारदा जी, आपका आपका फैसला क्या है? याद रखिएगा, ये एक अहम फैसला है, एक टीचर की निष्ठा का सवाल है आपका, इसलिए लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठिए और आराम से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचकर बताइए। आइए बैठिए, बैठिए ना। देख लीजिए निर्मला जी, आपका बेटा आपका नहीं रहा, बन गया है वो बूंदी का दामाद। अब उसे कोई आशा नहीं की जा सकती है, बस पूरे दिन घर पे बैठेगा और हमें पत्नी पुराण सुनाएगा। भाई साहब ने कुणाल को बूंदी का दामाद कहा, लेकिन बेटा वो आज भी चौहान परिवार का ही है और उसे समझाने के लिए हम सब हैं। तो शारदा जी, यू प्लीज डोंट वरी, ओके? और ये बहुत हो गया। कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चे हैं, गलत फहमियां तो करते ही रहेंगे। बिना तुम अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो ना। We'll be right back.